प्रदेश अध्यक्ष है कि उन लोगों ने पूरे प्रदेश और देश से ऐसे चेहरे को चुना है जो चेहरा समाजवादी पार्टी के नैया पार कराने में अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज कहीं ना कहीं मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से एक जातीय समीकरण भी फ्रंटल के अध्यक्षों को बनाने में लगाया गया है। कोई अध्यक्ष हमारे दलित समाज से है, कोई अध्यक्ष पिछड़े समाज से है, कोई अध्यक्ष सवर्ण समाज से है, कोई अल्पसंख्यक से है। मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार पुनः कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और प्रदेश कार्यकारिणी ने यह सामंजस्य बैठाया है, ये सभी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के मतदान करेंगे और मतदान करने के बाद वो दिन दूर नहीं है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा कैसरगंज और लोकसभा गोंडा में दोनों में जीत हासिल करेगी। हमारे छोटे कई भाई जो अध्यक्ष बन के हैं, हमसे बड़े भी हैं, हम आप सबसे एक आग्रह विनती गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग को भरोसा जताया गया है, साथियों ये पद जो है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। आप नहीं जानते हैं कि इस पद के लिए जिस पे आप बनते उस पर कितने लोग चाहते थे कि हम भी उस पद पे आ जाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी बहुत लंबा समय, अभी आप लोग नौजवान हैं, 25 साल 26 साल 28 साल 30 साल के अभी पूरी जवानी बची है, पूरा आपका जीवन बचा हुआ। ये पद जो दिया गया है, इस पद की गरिमा तभी रहेगी जब आप अपनी मेहनत से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग, आपकी सारी व्यवस्था ये सब धरी की धरी रह जाएगी। आप लोगों के कंधे पर बहुत मजबूत जिम्मेदारी दी गई। हम आपसे कहना चाहते हैं जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करिएगा और हमें सूरज सिंह को छोटे भाई या बड़े भाई के रूप में जिस जगह आप चाहोगे तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और आपके हौसला अफजाई में एक बड़े भाई के रूप में कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपका मोरल डाउन हो जाए, आपका कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, गर्मी में हम लोग इंतजार कर रहे थे, नगर की भी कमेटी, अभी मतीन भाई बता रहे थे कि यहाँ नगर की कमेटी का भी कार्यकारिणी का घोषणा हुआ। हम कहना चाहते हैं नगर के लोग भी हैं, महिला सभा की टीम बैठी हुई है यहाँ पर, फ्रंटल के हमारे यूजन मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा लोहिया वानी, अनुसूचित प्रकोष्ठ हमारे अम्बेडकर वानी, हमारे तमाम पिछड़ा वर्ग के तमाम सारे लोग हैं। हम सबसे कहना चाहते हैं, हम सबको अगर अपना दिन, अपना अच्छा भविष्य देखना है तो हम लोग को बिल्कुल पुरजोर मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के बाद मैं कहना चाहता हूँ हर कर्म वीर के आगे हर पत्थर साधक बनता है और मंजिलें दिशा बताती है जब मानव आगे बढ़ता है। हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं, समाजवादी लोग संघर्ष के कोख से पैदा होते हैं और हम लोगों ने संघर्ष के बलबूते पर, आप बता दीजिए कि कौन सा हम लोग के पास इतना बड़ा राबा डाबा था कि हम लोग समाजवादी पार्टी ने तीन तीन चार चार बार सरकार बनाई। हम लोगों ने संघर्ष के बलबूते पर ये लड़ाई जीतने का काम किया और आज आपसे अपील करना चाहता हूँ, सूरज सिंह के रूप में जहां भी चाहोगे, जिस संघर्ष में साथ पाना चाहोगे, सूरज सिंह दल बल के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन फ्रंटल को मजबूत करने का काम आपको करना है। हमारे तमाम साथी यहां बैठे हुए हैं, ये निश्चित रूप से माला पहना है, हमको पहनाया है, इस माला के फूल की खुशबू तभी आएगी जब हम अगली सरकार बना लेंगे और प्रदेश और देश में हमारा नाम होगा, तभी हम लोग माले की फूल की खुशबू को समझ पाएंगे। नहीं, माला किसी काम का नहीं है। हम बहुत बधाई देना चाहते हैं, आप सबको मजबूती से काम करिएगा और पूरे जिले को मजबूत करने का काम करिएगा। आप पर जो भी जरूरत पड़ेगी, हम फिर कहना चाहते हैं हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पंडित सिंह जी।